इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है साइना नेहवाल द बैडमिंटन स्टार। 3.1.1 आंसर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए के उत्तर दें। फर्स्ट है हुई साइना नेहवाल, साइना नेहवाल कौन है? तो आंसर हो जाएगा एन इंडियन बैडमिंटन स्टार, एक भारतीय बैडमिंटन स्टार यानी खिलाड़ी। ठीक है, स्टार आपको बता चुके हैं किसको कहते हैं, जो बहुत फेमस हो। तो बैडमिंटन में बहुत फेमस थी, तो हो गया एन इंडियन बैडमिंटन स्टार। सेकंड, अखबार झर कोच, उनके कोच कौन थे यानी उनके ट्रेनर कौन थे? तो नाही प्रसाद। वेयर डिड सी प्रैक्टिस एज समर ट्रेनिंग, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षु के रूप में वे कहाँ अभ्यास की? दैट लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा, हरियाणा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में। फोर है, एट वाट एज डिड सी डू समर प्रैक्टिस, ग्रीष्मकालीन अभ्यास वे किस अवस्था में की? आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल की अवस्था में, जब 8 साल की थी तो समर ट्रेनिंग ग्रुप में वो एडमिशन कराए थे। वेयर वॉज साइना बॉर्न, साइना का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा एट हिसार इन हरियाणा, हरियाणा के हिसार में। बी पॉइंट टू, एंसर इन वर्ड और ए सेंटेंस, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। फर्स्ट है, एट विच स्टेडियम साइना मेड हर समर ट्रेनिंग, किस स्टेडियम में साइना अपना ग्रीष्मकालीन अभ्यास की? तो आंसर हो जाएगा एट लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम इन हरियाणा, हरियाणा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ रत्न साइना रिसीव्ड, रत्न का क्या नाम है जो साइना प्राप्त की? रत्न यानी अवार्ड, तो कौन कौन सा पुरस्कार वे प्राप्त की? अर्जुन अवार्ड एंड द पद्मश्री अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री पुरस्कार। कौन कौन अवार्ड था जो प्राप्त की? भारत सरकार के द्वारा दिया गया अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। थ्री, व्हेन डिड साइना बिकम द मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर, साइना कब सबसे होनहार खिलाड़ी बनी? यानी उनको पुरस्कार मिला किसका, टाइटल मिला किसका, द मोस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर का, तो 2008 में, इन 2008। बी पॉइंट 2.1, आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों से अधिक में उत्तर ना दें। तो यहाँ पर लिमिट है, 50 में दे सकते हैं या 50 से कम में, इन 50 से ज़्यादा में नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट, राइट इन ब्रीफ साइनाज परफॉर्मेंस इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में साइना नेहवाल के प्रदर्शन के बारे में संक्षिप्त में लिखें। आंसर हो जाएगा, साइना नेहवाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द सेमीफाइनल ऑफ 2010 ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज। तो साइना नेहवाल 2010 में ऑल इंग्लैंड सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। और क्या क्या करना है कि विनेज 4-स्टार टूर्नामेंट ऑफ द फिलीपींस ओपन इन 2006, और 2006 में 4-स्टार प्रतियोगिता फिलीपींस ओपन जीती एंड रिच द क्वार्टर फाइनल्स एट द ओलंपिक गेम्स, और ओलंपिक खेलों में क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो ये सब करने वाले क्या पहली भारतीय महिला थी। सी बिकेम रनर अप एट द 2006 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, और वे और क्या क्या करना है कि वे 2006 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में रनर अप रहे, रनर अप बनी यानी उप विजेता बने। तो फाइनल में हार गए तो उप विजेता बन गए, जीत जाती तो विनर यानी विजेता बन जाते हैं। ठीक है, BWF आपको बता चुके हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का शॉर्ट फॉर्म है। तो जूनियर लेवल का वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुआ तो 2006 में, तो रनर अप रही, उप विजेता। टू, राइट अबाउट टू फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स बिफोर साइना, साइना के पहले दो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों के बारे में लिखें। तो साइना से पहले यानी साइना नेहवाल से पहले दो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे, उनका नाम क्या था? प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी। तो बोला जा रहा है उनके बारे में लिखें। टू फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स बिफोर साइना वर्ड प्रकाश पादुकोण एंड सैयद मोदी। साइना के पहले दो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी थे। प्रकाश पादुकोण बिलोंग टू कर्नाटका, प्रकाश पादुकोण कर्नाटक से थे। ठीक करने का मतलब अभी बैडमिंटन नहीं खेलते, अब ये उनका उम्र हो चुका है तो अब बैडमिंटन छोड़ दिए, अब ये सिखाते हैं। एंड वॉज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन 1980, और 1980 में वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पर पहुंच गए थे। कौन? प्रकाश पादुकोण, वर्ल्ड नंबर 1, ये काफी बड़ी बात है।
समझिए कि पूरे देश में जो खिलाड़ी है ना, जितने सारे देश हैं उसमें जो बैडमिंटन खेलते हैं, तो उसमें वर्ल्ड नंबर वन वो बने थे 1980 में। जो पुरुष खिलाड़ी थे ना जो सिंगल खेलते हैं, तो उसमें वो वर्ल्ड नंबर वन बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे 1980 में। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ बैडमिंटन, उनको बैडमिंटन का पितामह बुलाया जाता है, यानी बैडमिंटन के पिताजी उनको बुलाया जाता है पितामह। ही वॉज अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड एंड द पद्मश्री, तो उनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। उनको क्या क्या अवार्ड मिला? अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड मिला, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। पद्मश्री नागरिक सम्मान है और अर्जुन अवार्ड सिर्फ दिया जाता है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन पद्मश्री विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भारत का नागरिक सम्मान है, चौथा बड़ा नागरिक सम्मान है। सैयद मोदी बिलोंग टू यूपी, सैयद मोदी यूपी से थे, एंड वॉज 8 टाइम नेशनल बैडमिंटन चैंपियन, और 8 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन थे, और लगातार 8 बार वो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है ना उसको जीते थे, यानी फर्स्ट आए थे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बैडमिंटन होता है उसमें लगातार 8 बार। ही गॉट गोल्ड एट द 1982 कॉमनवेल्थ गेम्स, वे 1982 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीते हैं, गोल्ड जीते समझिए कि वो फर्स्ट आए थे। सी ए मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, मतलब कॉलम ए में शब्दों को उनके मीनिंग कॉलम बी से मिला, तो कॉलम ए का जो शब्द है वो कॉलम बी में उनका अर्थ दिया हुआ, तो देखिए इसको मिलाते हैं। एडमायर में होता प्रशंसा करना और नॉन ग्रुप में होता प्रशंसा, तो क्या हो जाएगा? प्रेस। एडवाइस में से होता सलाह, तो काउंसिल में से होता सलाह। टूर्नामेंट में से होता प्रतियोगिता, तो कंपटीशन में से प्रतियोगिता। शटल कॉक जो कॉर्क होता है ना वो बैडमिंटन खेलते हैं वही। फेदर्ड शेप। प्रोमिनेंट में से होता महत्वपूर्ण, तो जो बच गया वो टिक मार देते हैं, तो इम्पोर्टेंट में से भी होता महत्वपूर्ण, हो गया। चलिए अब ग्रामर पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग इन टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वन इज डन फॉर यू, बोला जरा नीचे दिए गए को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलें, जो नीचे दिए गए जो सेंटेंस है ना उसको प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया, यानी एक करके दिखाया गया उसी तरह आपको करना है। तो देखिए सबसे पहला सवाल उठता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको है, तो बोलते हैं सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछते हैं उससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे पूछते हैं ना जो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक हो गया। जैसे बोलते तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक ना, क्या तुम अभी पढ़ रहे हो, तो ये सब सवाल पूछ रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे यानी प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल दिया हुआ मोहन वेंट टू मार्केट विद हिज मदर, मोहन अपनी माँ के साथ बाजार गया। अब ये है दिया हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, अब इसको सवाल में कन्वर्ट करना है, तो करते क्या है, ये जो भीटू रहता है ना सिंपल पास्ट टेंस है, अगर आप टेंस पढ़ेगा ना तो पता चलेगा, तो ये जो भीटू है ना भीटू, तो जब ये बाहर आता है ना तो डिड हो जाता है डिड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस भीटू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते जो कुछ काम करता है, ऑब्जेक्ट कहते जो काम का जो प्रभाव पड़ता है ना जिसपे उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या, ये सकारात्मक हो गया अफर्मेटिव हो गया, और क्वेश्चन बनाना ना इसे तो आगे डिड लग जाएगा, डी डी आई डी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वी टू रहेगा तो आगे क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। तो देखिए इसमें वी टू है तो आगे क्या आ गया, डिड, उसके बाद क्या है मोहन आ गया, उसके बाद वी वन गो, उस गो वेंट गोन होता है, तो वेंट का वी वन गो होता है, वेंट भी टू है, बाकी यहाँ से यहाँ तक क्या किया है लिख दिए, और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, पर ये छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, तो बस यही था। डिड आगे आ गया, भी टू है में से निकला तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी वन, और बाकी जो बच गया अदर वर्ड्स वो लिख दिए सेम टू सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक, और क्वेश्चन मार्क दे दें। तो क्या करते हैं ना प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए जो भर्ब रहता है ना उसको आगे ले लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट है साइना इज ए गर्ल ऑफ 19 ईयर्स, साइना 19 साल की एक लड़की है, तो देखिए यहाँ पर भर्ब क्या है, इस भर्ब है, तो भर्ब को आगे ले लेते हैं, आगे ले लिए, बाकी जो बच्चा साइना ए गर्ल ऑफ 19 ईयर्स, साइना ए गर्ल ऑफ 19 ईयर्स लिख दिए और क्वेश्चन मार्क दे दें, प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क रहते ही हैं। टू राकेश रीड्स इन क्लास
सेवन एट दानापुर हाई स्कूल, तो राकेश दानापुर हाई स्कूल में क्लास सेवन में पढ़ता है। तो देखिए ये किसका सवाल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सवाल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सभी प्लस वी वन और वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिसमें वी फाइव रहता है ना, वी फाइव कहते हैं किसको है, वी वन में जब ऐसे ही एस लगाते हैं तो वी फाइव बनता है। जैसे गो में एस लगाएंगे तो गोज वी फाइव हो गया, इट में एस लगाए तो इट्स हो गया, वीप वीप मीन्स रोना, तो वी डब्ल्यू डब्ल्यू पी एस लगाए तो वी फाइव हो गया। तो बहुत सारा में एस लगता है, किसी किसी में ही एस लगता है, हो गया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है तो वी फाइव, तो यहाँ पर देखिए वी फाइव है जिसको बाहर लेते हैं ना तो डज हो जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सेवन प्लस वी वन और वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्य का क्या होता है, आगे डू और डज लग जाता है, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जिसके साथ वी वन रहेगा उसमें डू बाहर आएगा, और जिसमें वी फाइव रहेगा तो उसमें डज बाहर आएगा। तो वी फाइव में जो एस ए एस लगा हुआ है उसको बाहर लेते हैं तो डज हो जाता है। देखिए यहाँ पर वी फाइव है, रीड में एस लगा हुआ तो वी फाइव है, तो आगे क्या होगा, वी फाइव में जो एस है ना रीड के बाद जो एस है उसको बाहर निकालेंगे तो डज हो जाएगा, ठीक है राकेश। और ये क्या होता है वी वन, वी वन और यहाँ से यहाँ तक, क्या यहाँ से यहाँ तक लिख दिए और फिर क्वेश्चन मार्क। तो आंसर हो गया डज राकेश रीड इन क्लास सेवन एट दानापुर हाई स्कूल। तो क्या राकेश दानापुर हाई स्कूल में क्लास सेवन में पढ़ता है, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए एवरी डे ही वॉक्स 3 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, प्रतिदिन वह सुबह में 3 किलोमीटर टहलता है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है एस लगाया हुआ तो इसमें भी बाहर लेंगे तो डज हो जाएगा, और क्या है ही उसके बाद भी वन हो जाएगा, तो और फिर क्या है एवरी डे 3 किलोमीटर इन द मॉर्निंग लिख दिए और फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए एवरी डे शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चन मार्क में है ना शुरू में नहीं लगाते, डच के बाद नहीं, डच के बाद सिर्फ सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये एवरी डे को क्या करें, भारत के बाद लिख दिए, वॉक जो है ना उसके बाद लिख दिए। फोर ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो क्वेश्चन हो जाएगा क्या वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए ये लाइक्स में जो ऐसे उसको बाहर लेंगे तो क्या डज हो जाएगा, उसके बाद क्या बच गया ही और फिर भी वन, तो एल आई की ई एल आई के ई लाइक भी वन हो गया, उसके बाद क्या बच गया टू प्ले क्रिकेट, तो टू प्ले क्रिकेट यहाँ लिख दिए क्वेश्चन मार्क। फाइव में हिज ब्रदर एडमायर्स हिम, उसका भाई उसका प्रशंसा करता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, क्या उसका भाई उसका प्रशंसा करता है। तो देखिए एडमायर्स में भी क्या है एस लगा हुआ है तो उसको बाहर लेंगे तो डज हो जाएगा, क्या हिज ब्रदर फिर भी वन आता है एडमायर हो गया और हिम है तो हिम फिर क्वेश्चन मार्क। एफ पॉइंट वन ट्रांसलेट द फॉलोइंग इंटू इंग्लिश, नीचे दिए गए को अंग्रेजी में अनुवाद करें। फर्स्ट लिखा हुआ मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है, तो आंसर हो जाएगा माई फेवरेट स्पोर्ट इज बैडमिंटन, स्पोर्ट मीन्स भी खेल होता है और गेम जी एम ई गेम मीन्स भी खेल होता है। देखिए माई फेवरेट स्पोर्ट मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है, तो है के लिए इज लगा दिया फिर बैडमिंटन का बैडमिंटन। सेकेंड है यह दो दलों के बीच खेला जाता है, तो इट इज प्लेड बिटवीन टू गेम्स, तो इसे खेला जाता है तो इस पर काम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर V3 लगेगा। अब वॉइस पढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा के बीच के लिए बिटवीन होता है, जब दो रहता है ना दो के लिए के बीच के लिए बिटवीन होता है, अब दो से अधिक रहेगा तो के बीच के लिए हो जाएगा एमंग। तो आंसर हो जाएगा इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स, या दो दलों के बीच खेला जाता है। थ्री बैडमिंटन एक इनडोर खेल है, इनडोर खेल बोलते हैं जो घर में खेला जाता है, और आउटडोर बोलते हैं जो बाहर खेला जाता है मतलब खुले में खेला जाता है। देखिए तो बैडमिंटन एक इंडोर खेल है, तो बैडमिंटन का बैडमिंटन है के लिए इस इंडोर स्पोर्ट, स्पोर्ट के बदले में गेम भी लिख सकते हैं, और एक इंडोर एक क्या भॉवेल है तो एक के लिए एन लगाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन इज एन इंडोर स्पोर्ट, बैडमिंटन एक इंडोर खेल है। फोर इस खेल में नेट रैकेट एवं शटल का प्रयोग होता है, तो लिखेंगे इन इस खेल में, तो अंत में लगा दिए इन दिस गेम इस खेल में हो गया। क्या क्या नेट कॉमा रैकेट एंड शटल आर यूज्ड इन दिस गेम, इन दिस गेम में इस खेल में आर यूज्ड प्रयोग होता है, तो इस पर काम हो रहा है नेट रैकेट और शटल पे, था यूज का V3 यूज्ड। फाइव यह खेल शरीर को सक्रिय रखता है, सक्रिय मतलब एक्टिव, तो दिस स्पोर्ट यानी दिस गेम ये भी लिख सकते हैं दिस गेम, तो दिस स्पोर्ट कीप्स द बॉडी एक्टिव,
तो यह खेल शरीर को सक्रिय रखता है, तो रखना है क्या होता है कि, और ये जो सिंगुलर नाउन है ना तो इसके साथ भीफा लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल कर देते हैं जहां पर आदत का बोध हो। पॉइंट टू, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी, नीचे दिए गए का हिंदी में अनुवाद करें। फर्स्ट है प्लेइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, तो प्लेइंग मतलब हो गया खेलना, तो आईएनजी लग गया ना तो इसको भी फोर बोलते हैं, और सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल होता है ना तो इसको जिरंड बोलते हैं। लिखा हुआ खेलना एक महत्वपूर्ण व्यायाम है, तो प्लेइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, प्लेइंग मतलब यहाँ पर हो गया खेलना, सब्जेक्ट ग्रुप में इस्तेमाल किया गया। सेकंड है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, लाइक मीन्स होता पसंद करना, प्ले मीन्स खेलना, तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, या फिर आंसर हो जाएगा मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, दो हो सकता है मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है या फिर मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, दोनों में से कोई एक लिख लीजिए। थ्री है माई फेवरेट प्लेयर इन क्रिकेट इज सचिन तेंदुलकर, तो फेवरेट मीन्स प्रिय, तो हो जाएगा क्रिकेट में, आंसर हो जाएगा क्रिकेट में मेरे पसंदीदा या प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। फोर आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड, विद मीन्स होता है के साथ, फ्रेंड मीन्स दोस्त, माई मीन्स मेरा, तो मैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, तो आंसर हो जाएगा मैं अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। फाइव आई एम द कैप्टन ऑफ माई क्रिकेट टीम, तो आंसर ऑफ का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है ना पीछे से बढ़ते हैं, पीछे से, तो बोलेंगे कि मैं अपने क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ, हो गया, मैं अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ।